दोस्तों, कंगना रनौत की एक बहुत ही शानदार फिल्म है क्वीन, आपने देखी होगी। उसका एक बहुत ही शानदार और हिट डायलॉग है जिसमें कंगना रोते हुए बोलती है, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। एक्चुअली में कंगना रनौत की जिंदगी का आज का सच ये बन गया है। दोस्तों, कंगना की जो हालत हो गई है ना, या फिर ये कह रहे कि राजनीति में आकर बीजेपी ने कंगना की जो हालत कर दी है, वो एक्चुअली में अकेले बैठकर यही कहती होंगी, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। बताइए, कंगना रनौत जो किसी को कुछ भी बोल देती थी, मतलब किसी के लिए कुछ भी, जब बॉलीवुड में थी तो किसी के लिए भी कुछ भी बोल देती थी, उसके बाद बॉलीवुड में रहकर किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बोल देती थी, लेकिन जब से राजनीति में आई है और विशेषकर जब से बीजेपी की सांसद बनी है, माफ़ी पर माफ़ी उनसे मंगवाई जा रही है। हालत ही हो गई है दोस्तों कि कंगना रनौत की ज़ुबान से निकला हुआ एक बयान पूरे के पूरे हरियाणा चुनाव में बीजेपी के साख में बट्टा लगा रहा है। बीजेपी की नहीं, मोदी के साथ में बट्टा लगा रहा है। दोस्तों, कंगना रनौत ने किसानों को लेकर एक बयान दिया, उसको लेकर मैं आपको ये वीडियो दिखा चुकी हूँ जिसमें कंगना ने कहा कि वो चाहती है कि 3 कृषि कानून वापस आ जाएं और ये उनकी दिली ख्वाहिश है। हालांकि बाद में उनकी पार्टी ने खुद उस बयान से किनारा कर लिया, ये वीडियो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। फिर कंगना खुद सामने आई कहते हुए कि मेरे बयान से अगर आपको ठेस पहुंची है तो मैं अपना बयान ही वापस लेती हूं। कंगना ने अपना बयान ही वापस ले लिया और खेद प्रकट किया, माफ़ी मांगी अपने बयान के लिए, और ये भी कहा कि अब उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो उनकी पहचान बीजेपी के नेता के तौर पर है, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर है। बताइए, कहाँ हमारी कंगना बेधड़क कुछ भी बोलने वाली, अब बात बात पर उनसे माफ़ी मंगवाई जा रही है। और ये जो वीडियो कंगना ने शेयर किया था सोशल मीडिया में, कंगना का चेहरा देख के साफ पता चल रहा था कि कंगना को ठीक ठाक डांट पड़ी है। पता है, कंगना का चेहरा ऐसा लग रहा था तो रो देंगी, कितना खराब लग रहा था कंगना को ऐसे देखकर। लेकिन राजनीति तो राजनीति है दोस्तों। कंगना रनौत ने बयान दिया जिसको तुरंत लपक लिया कांग्रेस पार्टी ने। दीपेंद्र हुड्डा ने कंगना के इस बयान पर जनसभा में कंगना और बीजेपी और मोदी को चैलेंज कर दिया। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है, हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं आज स्टेज के माध्यम से, चुनौती से, प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहाँ से। दोस्तों, 100 बात की एक बात, कंगना रनौत बहुत बड़ी ज्ञानी है, उनको देश दुनिया के हर मुद्दे को लेकर ज्ञान रहता है, और उनके हिसाब से देश में असली आज़ादी तो 2014 के बाद ही मिली है, उससे पहले तो भीख वाली आज़ादी में आप और हम पैदा हुए हैं, जी रहे थे। तो पता नहीं देश को मिली है ना मिली है, ऐसा लग रहा है कंगना की आज़ादी छिन गई है। बताइए, जब से सांसद बनी है एक अदद बयान, अपने दिल की बात वो निकाल नहीं सकती, इधर वो बयान देती नहीं, उधर पार्टी उनसे किनारा कर लेती है, उधर उनसे माफ़ी मंगवाई जाती है। ये दूसरी बार है कि उनके बयान से पार्टी ने किनारा किया है और एक बार फिर से उनको अपने बयान पर माफ़ी मांगनी पड़ी, और अब तो दीपेंद्र हुड्डा ने इसको मुद्दा बना दिया है। दोस्तों, बीजेपी सबसे पहले तो ये बताए कि ऐसे शख्स को उसने पार्टी का टिकट दिया, सांसद क्यों बनाया, क्योंकि कंगना रनौत कोई आज ऐसा बयान तो दे नहीं रही है। कंगना रनौत तो किसानों को खालिस्तानी तब कह चुकी हैं जब वो फिल्मों में थी, तब तो वो बीजेपी की नेता भी नहीं थी। हाँ, मोदी जी की समर्थक तो हमेशा से रही है, मोदी जी की भक्त कहती है वो अपने आप को, विष्णु का अवतार मोदी जी को कह चुकी हैं। तो बीजेपी ने कुछ सोच समझ कर ही कंगना को टिकट दिया था ना। उसके बाद दोस्तों, कंगना ने किसानों को लेकर इस तरह का बयान दिया तो बड़ी अजीब बात है, बीजेपी ने इससे किनारा किया। ठीक है, गौरव भाटिया ने बयान दिया कि ये बीजेपी का आधिकारिक बयान नहीं है और कंगना इस तरह के बयान देने के लिए अधिग्रहित नहीं है। हैरानी इस बात की है कि कंगना ने भी उस वक्त ट्वीट करके ये कहा कि हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। कंगना ने भी ये कहा कि मेरा व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कंगना उस वक्त तक अपने बयान के लिए माफ़ी नहीं मांग रही थी, लेकिन फिर उनकी वीडियो आ गई कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे बयान से किसी को अगर ठेस पहुँची है तो मैं अपने बयान वापस लेती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि रात तक उनको अपने बयान पर माफ़ी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन सुबह उनको लगा कि नहीं, उन्होंने बयान से बहुत लोगों को ठेस पहुंचाई है और नरेंद्र मोदी ने जिन 3 कृषि कानून के लिए लोगों से माफ़ी मांगी है, उनकी भावना का सम्मान उन्होंने नहीं किया। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है जिससे कंगना गुजर रही हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों, हरियाणा में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब आज प्रधानमंत्री मोदी की सोनीपत में रैली है। एक तो वैसे ही हरियाणा में मोदी जी रैली इतनी कम कर रहे हैं,
इससे पहले कुरुक्षेत्र में आए थे, वहां भीड़ भी बहुत कम जुटी थी। बड़ी मुश्किल से अमेरिकी दौरा को निपटा के दोस्तों हरियाणा एक बार फिर से रुक कर रहे मोदी जी, और मोदी जी आ रहे हैं तो बहुत सारे मुद्दे उठाएंगे, लेकिन फायदा क्या? उससे पहले ही तो कंगना ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब बताइए, मोदी जी, उनकी पार्टी पूरे हरियाणा में अपनी पार्टी की इज्जत बचाए, जो कि वैसे ही बहुत बुरी स्थिति में है। बीजेपी की हरियाणा में क्या हालत है, मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। ऊपर से बीजेपी की सांसद किसानों को लेकर कभी कहती है कि किसान आंदोलन में तो रेप हो रहे थे, वहां तो लोगों के कत्ल किए जा रहे थे, फिर पार्टी उनसे किनारा करती है। फिर बीजेपी की सांसद कहती है कि नहीं, तीनों कृषि कानून वापस आ जाने चाहिए, और उसके बाद फिर उन पर खेत प्रकट करती है। अब अजीब बात है दोस्तों कि खेत तो कंगना ने प्रकट कर दिया, लेकिन क्या राजनीति में मुद्दे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं? जब दीपेंद्र हुड्डा ने इसको मुद्दा बना दिया है, तो अब बीजेपी के आगे बहुत बड़ी मुसीबत कंगना रनौत ने खड़ी कर दी है। दोस्तों कई लोग तो सोशल मीडिया में ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज नहीं हो पा रही है, तो कंगना खुन्नस निकाल रही है, कंगना पीछे पड़ी है कि कैसे भी करके बीजेपी को हर हाल में हराना है। मतलब मजाक अपनी जगह, लेकिन कंगना क्यों चाहेंगी कि उनकी पार्टी हरियाणा में हारे? मैं तो कहती हूँ बीजेपी के लोगों को कंगना रनौत जैसे प्रबुद्ध लोगों को, प्रबुद्ध नेताओं को, जो इतनी बड़ी स्टार हैं, कंगना तो अपने आप को अमिताभ बच्चन के बाद सबसे बड़ा स्टार बताती हैं, उनकी एक दो रैलियां करवानी चाहिए। हरियाणा में रैलियां होनी चाहिए कंगना रनौत की, और रैली के जरिए कंगना रनौत अपने जितने भी विचार हैं वो लोगों के बीच रखें, तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच उनकी बात ज़्यादा आसानी से पहुंच पाएगी। दोस्तों कंगना रनौत ने अपने इस वीडियो के जरिए माफ़ी मांगी, तो उनकी इस वीडियो में देखिए लोगों ने क्या क्या कमेंट किया। डॉक्टर मिराज हुसैन लिखते हैं, आ गया स्वाद, मजाक से हटकर वैसे आपको एक मनोचिकित्सक की सख्त ज़रूरत है। वैसे इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कंगना पर। अश्विनी सोनी लिखते हैं, माफ़ी वीर कंगना सावरकर। इसके अलावा जितेश नाम के यूज़र लिखते हैं, सोचिए जो पार्टी अपने ही एमपी की आवाज़ दबा रही है वो आम आदमी के साथ क्या करती होगी। बीजेपी के लिए लिखा है इन्होंने। आगे लिखते हैं, कंगना प्लीज़ बीजेपी की मत सुनो, अपने दिल की बात बोलती रहो और बीजेपी को हरियाणा में हरा दो, हम आपके साथ हैं। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी नॉलेज नाम के यूज़र लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंगना बीजेपी को हरियाणा में हराने के लिए। हमें हमेशा लगता था कि पार्लियामेंट में आपकी कोई जगह नहीं है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अब हमें लगता है कि आप जैसे लोगों की बीजेपी की तरफ से पार्लियामेंट में और ज़रूरत, मतलब आप जैसे लोगों को बीजेपी को और भेजना चाहिए, ताकि बीजेपी जो है साइडलाइन हो जाए। मतलब कहने का ये मतलब था यहाँ पर लोगों का। और आशीष नाम के यूज़र लिखते हैं, मंडी के लोगों को थैंक यू जिन्होंने कंगना को चुना, और कांग्रेस के लिए कंगना एक एसेट है। मतलब कांग्रेस के लिए कंगना एक मजबूती के तौर पर उभरी हैं, और इस तरह के बयान बस वो देते रहें और कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अंकित मयंक लिखते हैं, अगर बीजेपी इसी तरह से अपनी सांसद, सिटिंग सांसद की आवाज़ को दबाती रही तो कैसा लगेगा? सोचिए जब बीजेपी अपने सांसद की आवाज़ दबा सकती है, तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का क्या हाल बीजेपी करती होगी। इसके अलावा इन्होंने तो ये भी कह दिया कि कंगना बस आप बीजेपी को ऐसे ही एक्सपोज करते रहिए। सूर्य समाजवादी लिखते हैं, थोड़ी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दो, बार बार पार्टी तुम्हें अपमानित कर रही है और तुम बार बार अपमान का घूंट पी रही हो, ऐसे तो तुम अपमान की रानी कहलाओगी। दोस्तों तमाम राजनीतिक विचारधारा के बीच मैं अब भी मानती हूँ कंगना रनौत वाकई में एक बहुत शानदार एक्टर है। आप कंगना रनौत की कोई भी फिल्म देखिए, उनकी क्वीन फिल्म देखिए, सिमरन फिल्म देखिए, चाहे मणिकर्णिका फिल्म देखिए, जजमेंटल है देखिए, शानदार काम है। उनकी पहली फिल्म देखिए गैंगस्टर, एक एक्टर के तौर पर कंगना का कोई जोड़ नहीं है। वो जिस रास्ते में आ गई ना राजनीति की, ये इनके लिए है नहीं, क्योंकि राजनीति में ब्लैक और वाइट जैसा कुछ नहीं होता, ग्रे होता है। अब हमारे मोदी जी को देख लीजिए, जब मोदी जी को जो सूट करता है मोदी जी उस तरह का बयान देते हैं, और पलटने में एक सेकंड का वक्त नहीं लगाते। असल में राजनेता ऐसा ही होता है, लेकिन हमारी कंगना रनौत ऐसा कैसे करें? अब दोस्तों दिक्कत ये हो गई कि कंगना ना तो अब बॉलीवुड की रही, क्योंकि यही सब बयानबाजी कंगना ने बॉलीवुड के लोगों के लिए भी की थी, वहाँ उनको पहले ही बॉयकॉट कर दिया जा चुका है, और जिसके लिए ये सब कुछ किया राजनीति के लिए, वहाँ भी ऐसा लग नहीं रहा कि इनका जो करियर है बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि कंगना रनौत जैसे लोग बेसिकली जिस पार्टी में होते हैं उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।